आज मैं आपको एक पेशेंट बताने वाला हूं, उसका वीडियो है एक्यूट साइकोसिस केस स्टडी। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। हमारे हॉस्पिटल नागपुर, पुणे, बॉम्बे यहाँ भी है। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा मिशन है। ये जो अभी पेशेंट बताने वाला हूं, ये पिछले एक 10-15 दिन से पागल जैसा कर रहा था। समय पे घर पे आने का नहीं, बाहर भटकना, फिर बहकी बहकी बातें करना, फिर बाहर घूमते घूमते शराब पी लेना, काम नहीं करना, कोई पागल चाले करना, नींद नहीं लेना, ऐसा काफ़ी सारा कर रहा था। और उसको फिर यहाँ लाया, हमारे यहाँ लाया। उसको हमने देखा कि पहले उसको हमने ये पहचान लिया कि भाई उसको कोई बाकी प्रॉब्लम है क्या। उसके लिए इन्वेस्टिगेट किया कि भाई शारीरिक बाकी बीमारी है क्या। तो मालूम पड़ा कि उसको शारीरिक बीमारी कोई नहीं, सिर्फ मानसिक बीमारी है। फिर हमने उसको एंटीसाइकोटिक दवाई दिया, उसको इंजेक्शंस दिए और उसको कोई काउंसलिंग किया कि भाई क्या हो रहा है, आपस में कुछ मेलजोल बराबर नहीं बैठ रहा क्या, तनाव क्या है। तो जब बात किया तो मालूम पड़ा कि भाई काफ़ी सारी मतलब गरीबी है, पैसे नहीं है, बच्चों का एजुकेशन है, बहुत छोटे देहात में रहते हैं, वहाँ बच्चों को मतलब ऐसा प्रॉब्लम है कि दो टाइम का खाना भी मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं है। और ऐसे इसमें खेत में काम करना और गुजारा करना चालू है, और उसमें वो टूट गया एक दिन। अभी वो अच्छा हो गया है, आप देखिए वीडियो जरूर, आपको भी समझ में आएगा क्या बीमारी है। अभी ये बताओ कि इनको क्या तकलीफ है, पहले क्या तकलीफ थी इनको, आप बताओ, तुम बताओ, तुम ये पेशेंट ये है, इनका नाम क्या है? बंसीलाल। आपके कौन है ये? पति है आपके। इनको बताओ क्या क्या तकलीफ हो रही थी, जोर से बोले। इसमें आपने यहाँ क्यों लाए? रात भर सोता नहीं था, इधर उधर दौड़ भाग करता। हाँ, रात भर सोता नहीं था, इधर उधर दौड़ भाग कर रहा था। और जो खेती गाँव के पास में है तो लोग घर बनाने के सोचे, तो वही बात को लेकर वो धार्मिक रोड पर खतरा लेके जाता था। दारू पी लेता था, रात को 10 बजे देरी से आता था, बेचारा नहीं भी जाता था। 6 तारीख से ऐसा हुआ, 15 दिन से ऐसा हो रहा था। यहाँ आने के कितने दिन पहले से? यहाँ 6 तारीख से ऐसा हो गया, मतलब 21 दिन हो गए। अच्छा अच्छा, तो अभी कैसा है? अभी कैसा लग रहा है? हाँ, अभी ठीक लग रहा है। आपको कैसा लगता है? ठीक हो गया, घर के याद आ गया। चलो चलो, घर में अभी घर की याद आ रही है उसको। खेत में काम करना है, मेरे बाल बच्चे को छोड़ा। हाँ, क्योंकि खेत में काम करना है बोलता, बाल बच्चे छोड़ के आया, जाना है। चलो घर में, इधर क्या है बोले, किसकी भर्ती करते हैं, क्या हो रहा था, मतलब उसको याद नहीं आ रहा, उसका दिमाग ऐसे खराब हो गया तो उसको याद नहीं आ रहा है ना। अभी अच्छा हो गया तो उसको क्या क्या हो गया कुछ भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। हाँ, राम राम लोगों को करो, लोगों को राम राम करो। यहाँ पे आके ठीक हुआ, भगवान जैसे ही है ना, यहाँ पे आके ठीक हुआ। मुझे पहले तो हम रोते रोते आए, लेकिन थोड़ा हंसते हंसते जा रहा हूँ, मुझे गाँव में थोड़ा फायदा मिला। धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा है, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये जो है, ये जब लाए थे तो इनको साइकोसिस था, काफ़ी बीमारी थी, और ये धारणी की तरफ से एकदम वीरान जंगल में रहते हैं, और शराब भी पीता था, वायलेंट होता था, बड़बड़ करता था। तो अभी अच्छा हो गया है, और वो धन्यवाद दे रहे सभी को, थैंक यू। हाँ, तो ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो बाहर का इलाज करते रहते हैं, भूत पलीत है, या फिर डॉक्टर के पास में आते नहीं है, यहाँ कहीं कुछ आधा अधूरा इलाज कर लेते और अच्छे नहीं होते। अब ये लोगों को वीडियो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि लोगों को मालूम पड़े, लोगों को जानकारी हो जाएंगी कि ये मेंटल हेल्थ होता क्या है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य क्या क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो होता क्या है, क्या क्या तकलीफें होती है, मालूम पड़ा लोगों को, लोगों का एजुकेशन इसमें होगा और लोग जल्दी इलाज करने चले जाएंगे। हमारा मकसद है कि भाई जो भी जहाँ भी होगा वहाँ उसने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, वहाँ उसका यदि इलाज हो गया तो अच्छा जीवन जी सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।